हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी नोट 12 प्रो 5G फ़ोन है, तो रेडमी नोट 12 प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन का जो फाइल वगैरह होती है, फ़ोटोज़ एंड वीडियोस होती है, तो फ़ोटोज़ एंड वीडियोस को आप हाइड कैसे कर सकते हैं और फ़ोटोज़ एंड वीडियोस को हाइड करके आप कैसे शो कर सकते हैं और कैसे आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ वीडियोज़ को अपने फाइल ऑप्शंस पे जाकर, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन, फाइल ऑप्शंस पे जाना है तो फाइल ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। तो हमारे फ़ोन में ऑप्शन आता है कैसे आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर अपने फ़ोन में आप या फोटोज़ वीडियोस को हाइड करेंगे। सबसे पहले तो दो फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको हम हाइड कर सकते हैं। थ्री डॉट पे आकर मूव टू सेव फोल्डर पासवर्ड डाल देना है, तो आपके फ़ोन में हाइड हो जाएंगी और हाइडिंग फोल्डर में शो हो जाएंगी। पासवर्ड डाल के आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो चेक कर पाएंगे, अगर आपको ऑप्शन फोल्डर नहीं मिलता यहाँ पर, इसमें फोल्डर नहीं मिलता तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, सेव फोल्डर का ऑप्शन शो होता है। पासवर्ड डाल के इस तरीके से आप फोटोज़ वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस तरीके से आपके फ़ोन में हाइडिंग फोल्डर सेटिंग ओपन हो जाएगी। और किसी भी फोटोज़ को आप जैसे अनहाइड या बाहर निकालना चाहें, मतलब अनहाइड करना चाहें, तो यहाँ से कर सकते हैं। मूव आउट टू सेव फोल्डर पर क्लिक करना है और क्लिक करते जो फोटोज़ हैं हमारे फोल्डर में सेव फोल्डर से बाहर हो जाएगी, अनहाइड हो जाएंगी और हमारी फ़ोटो गैलरी पर शो हो जाएंगी। इस तरह की फ़ोटो गैलरी में फ़ोटोज़ आ चुकी हैं और यहाँ पर शो हो रही हैं। तो इस तरीके से आप फोटोज़ एंड वीडियोज़ को इस तरीके से हाइड कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।